हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्रिप्टो आईसी में। दोस्त, यदि आप मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये जो रेड वाला बटन दिख रहा है। दोस्त, आज हम बात करेंगे जो 50 क्वाड्रिलियन बर्निंग हुई है 1 तारीख को बेबी डॉज, क्योंकि वो इथेरियम चैन पे बर्न हुई है और सबसे ज़्यादा जो होल्डर हैं वो BSE बाइनेंस स्मार्ट चैन पे होल्डर हैं। तो ये इससे हमको क्या फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि 420 क्वाड्रिलियन टोटल इसकी सप्लाई है BSE की और 420 क्वाड्रिलियन इथेरियम की है, यानी कि टोटल मिलाकर 840 क्वाड्रिलियन जो है वो पॉइंट बर्निंग होगी, तब जाके कहीं ना कहीं कुछ इसकी प्राइस में है जो इंक्रीज होगा। तो दोस्त, अभी तो ये स्टार्ट है, आने वाले समय में क्या होगा ये तो रब जाने, क्योंकि क्रिप्टो अभी जो है मार्केट जो है वैसे ही डंप है पूरी तरीके से। तो दोस्त, क्रिप्टो मार्केट का जो हाल है वो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन जो है वो 15 लाख INR पे आ चुका है और इथेरियम जो है वो 88-89 हज़ार रुपये पे आ चुकी है। तो ऐसे में जो सारे क्वाइन हैं वो पूरी तरीके से डंप है, लेकिन इस सिचुएशन में सिबाइन और बेबी डॉज जो है वो कुछ ना कुछ संभले हुए हैं, और टेरा लूना भी जो क्वाइन है वो कहीं ना कहीं पंप मार रहा है, क्योंकि टेरा लूना पिछले कुछ दिनों में 1-2 दिनों में 10 अपने यहाँ से क्लियर कर चुका है। जो अपडेट है, पहला अपडेट है वो मैं बता रहा हूँ कि बर्न ऑन इथेरियम, व्हाट इज़ द यूज ऑफ बर्निंग फॉर इथेरियम, मिलियन ऑफ होल्डर विथ BSE चैन। दोस्त, इसका कहानी सही है, क्योंकि जिसने भी ये ट्वीट किया है वो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि जो इथेरियम पे जो होल्डर हैं बेबी डॉज के वो बहुत कम हैं, और बाइनेंस स्मार्ट चैन पे जो होल्डर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर जो 50 क्वाड्रिलियन वहाँ पे बर्निंग होती क्वाइन, तो बाइनेंस चैन वालों को बहुत ही फ़ायदा मिलता, प्राइस में भी थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिलता। लेकिन इथेरियम चैन पे हुई है तो यहाँ पे प्राइस जो है वो बिल्कुल सेम का सेम है, पॉइंट के बाद 6x0 वही 13 की सीरीज लेकर चल रहा है। तो इससे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 2 डिफरेंट एड्रेस विथ द सेम सप्लाई, और 2 एड्रेस पे अगर जो सेम सप्लाई क्वाइन का हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि सो मीनिंग 840 क्वाड्रिलियन बर्निंग होगी, तब जाकर ये प्राइस में कहीं इंक्रीज देखने को मिल सकता है। यानी कि 420 क्वाड्रिलियन इथेरियम चैन पे और 420 क्वाड्रिलियन आपका हो गया बाइनेंस स्मार्ट चैन BSE पे। तो इसमें प्राइस कहाँ से उछाल मारेगा, क्योंकि इथेरियम पे जो है वो मेरा 50 क्वाड्रिलियन बर्न हुआ है। अगर जो BSE पे ये 50 क्वाड्रिलियन बर्न होता तो प्राइस में इंक्रीज इम्प्रूवमेंट थोड़ी देखने को मिलती। तो चलिए हम आगे बताते हैं कि बाइनेंस स्मार्ट चैन और इथेरियम चैन पे होल्डरों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले ERC इथेरियम चैन पे हम बात करते हैं, तो ERC पे 3,707 होल्डर हैं, 3,707 होल्डर मात्र यहाँ पे ERC में हैं, यानी कि इथेरियम पे मात्र 3,707 होल्डर हैं। इससे क्या होगा, इससे कुछ प्राइस कभी इंक्रीज पंप मार ही नहीं सकता है यार। कितना भी हम कोशिश कर लें, हम नारे जैसे छोटे मोटे ट्रेडर यूजर जो हैं वो कितना भी इसमें पैसा लगा लें, इसकी प्राइस इंप्रूवमेंट होने वाली नहीं है जब तक BSE पे कुछ बड़ा बर्निंग नहीं होती है। यानी बाइनेंस स्मार्ट चैन पे जब तक बड़ा बर्निंग नहीं होगा तब तक जो है प्राइस में इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। यहीं पर हम बात करें ट्रांसफ़र की इथेरियम पे, तो 9,660 ट्रांसफ़र मात्र इसमें हुए हैं अभी तक। और अगला जो अपडेट है वो BSE का है, तो BSE पे जो आप अपडेट देख सकते हैं कि इसमें होल्डरों की संख्या 15,80,707 होल्डर BSE बाइनेंस स्मार्ट चैन पे हैं। आपके और हमारे जैसे होल्डर जो हैं यहाँ पे अपना क्वाइन को बाय करके होल्ड किए हुए हैं। तो यहाँ पे यदि अगर जो वो बर्निंग होती 50 क्वाड्रिलियन वाली, तो थोड़ी बहुत प्राइस में इम्प्रूवमेंट इंक्रीज देखने को ज़रूर मिलती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये जो बर्निंग हुई है वो इथेरियम चैन पे हुई है, जबकि हमें कोई फ़ायदा नहीं है उससे। और यहाँ पे ट्रांसफ़र की बात करें तो 63,43,397 ट्रांसफ़र हो चुके हैं अभी तक BSE चैन पे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाइनेंस स्मार्ट चैन और इथेरियम चैन में जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बहुत डिफरेंट है, क्योंकि अगर जो बाइनेंस स्मार्ट चैन पे 50 क्वाड्रिलियन बर्निंग होती तो हमारी प्राइस जो है आज कुछ और होती। ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि बाइनेंस स्मार्ट चैन पे भी जो है वो बर्निंग 1.6 क्वाड्रिलियन की होने वाली है, 1.6 मिलियन क्वाड्रिलियन की होने वाली है। तो दोस्त, हमें वो समय का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि यदि इतनी बड़ी बर्निंग अगर जो होती है बाइनेंस स्मार्ट चैन पे, तो हमारा जो बेबी डॉज का प्राइस है वो इंक्रीज करेगा, और हम जो इसमें होल्ड किए हुए हैं उससे हमको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिल सकता है। यही कुछ थोड़ा सा अपडेट था जो कि आपको देना मैंने मुनासिब समझा। अगर जो मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।